हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर यानी संरचना यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स यानी हमारे जो स्केलेटल यानी कंकाली मांसपेशियां हैं उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो दोस्तों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स जैसे सेल हो गया, टिश्यूज, बोन, मसल्स के अन्य टॉपिक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो चलिए आज जानते हैं स्केलेटल मसल्स के माइक्रोस्कोपिक संरचना, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके अंदर क्या क्या कैसी संरचना दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली मांसपेशी इसको कहते क्यों हैं, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी रहती है। और किसके द्वारा जुड़ी रहती है? टेंडन्स के द्वारा। कहाँ पे? शुरुआती या अंतिम बिंदु पर टेंडन्स के द्वारा ये जुड़ी रहती है, ठीक है। और इसके 1/4 भाग प्रोटीन और 3/4 भाग पानी से बना होता है। तो इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि यह पेशी जो है कई कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर का एक बंडल जैसा दिखता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि कई कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं और एक बंडल के द्वारा वो सभी फाइबर यानी कि तंतु जो हमारी मांसपेशियों की संरचनात्मक इकाई होती है उसे फाइबर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल यानी कोशिका, उसी तरह मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई फाइबर होती है यानी पेशी तंतु, जिसे मायोफाइबर भी कहते हैं। तो यह बहुत सारे मायोफाइबर या फाइबर यानी पेशी तंतु का एक बंडल होता है जिसको एक कनेक्टिव टिश्यू चारों तरफ से घेरी रहती है। इन बंडलों को चारों तरफ से कौन घेरी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो इन बंडलों को बहुत सारे फाइबर जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं उन सभी बंडलों को एक कनेक्टिव टिश्यू बाहर से घेरे रहती है जिसको हम इपीमाइसियम बोलते हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट नाम लिखा हुआ है इपीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। और इपीमाइसियम से कई तंतु यानी फाइबर निकलते हैं यानी पेशी तंतु निकलते हैं जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इपीमाइसियम के बीच वाले भाग से इपीमाइसियम के अंदर से इपीमाइसियम एक खोल लगा हुआ है, घेरा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से, उसके अंदर से बहुत सारे फाइबर निकलते हैं जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। और इसी पेरीमाइसियम से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर यानी पेशी के बंडल पेशी को कनेक्टिव टिश्यू बाहर से घिर जाती है उसको क्या कहते हैं? तो एपिमाइसियम। एंड इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बाहर से घिरे हुए एपिमाइसियम किस टिश्यू की बनी होती है? तो कनेक्टिव टिश्यू से। और मांसपेशी के किस वाले भाग से फाइबर्स निकलते हैं? तो पेरीमाइसियम वाले भाग से, ठीक है। अब जानते हैं कि मांसपेशी तंतु जो है यानी फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मांसपेशी तंतु यानी फाइबर दो प्रकार का होता है, एक रेड मसल फाइबर, दूसरा व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर जो होता है वो स्लो ट्विस्ट होता है, स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है। एंड व्हाइट मसल फाइबर जो होता है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है। और रेड मसल फाइबर जो है स्लो ट्विस्ट होता है यानी इसमें स्लो संकुचन होता है। एंड व्हाइट मसल फाइबर में फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी संकुचन होता है, ठीक है। एंड रेड मसल फाइबर जो इंड्योरेंस वाले गेम लंबी दूरी की दौड़ में यूज होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है एंड इसमें सहनशीलता अधिक होती है। तो हम बहुत सारे अभ्यास को लंबे समय तक करके रेड मसल फाइबर को एरोबिक अभ्यास करके रेड मसल फाइबर को हम
ज्यादा संख्या में बढ़ा सकते हैं। एंड दूसरा देखते हैं वाइड मसल फाइबर जो है फास्ट ट्विस्ट फाइबर है, ये अन एरोबिक क्रियाओं में यानी स्प्रिंट दौड़े छोटे मोटे छोटे दौड़ों में जल्दी होने वाली क्रिया को करने में यूज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो स्लो ट्विस्ट होता है उसे कौन सी मसल फाइबर कहते हैं, तो रेड मसल फाइबर। जो फास्ट ट्विस्ट होता है उसे कौन सी मसल फाइबर बोलते हैं, तो व्हाइट मसल फाइबर। यहाँ भी इस प्रकार भी बन सकता है कि इंड्योरेंस वाले गेम या लंबी दूरी की दौड़ों के लिए किस मसल फाइबर का ज्यादा प्रयोग होता है, तो रेड मसल फाइबर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अधिक पाया जाता है, तो रेड मसल फाइबर। सहनशीलता किसमें अधिक पाया जाता है, तो रेड मसल फाइबर। ठीक है, और ध्यान रखिए इसमें एरोबिक लिखना भूल गई हूँ, तो रेड मसल फाइबर एरोबिक क्रिया करने के लिए यूज होता है, एंड व्हाइट मसल फाइबर अन एरोबिक और स्प्रिंट दौड़ी। ठीक है, फाइबर को माइक्रोस्कोपिक रूप से देखा जाए तो उसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है, यानी फाइबर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसका नाम वैज्ञानिकों ने मायोफाइब्रिल कहा। ठीक है, तो फाइब्रिल मायोफाइब्रिल कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग कर सकता है परीक्षा में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइबर को ही माइक्रोस्कोपिक रूप से देखने पर उसका नाम मायोफाइब्रिल पड़ा। ठीक है, अब मायोफाइब्रिल का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो मायोफाइब्रिल है उसका वैज्ञानिक नाम इंडोमाइसियम है। ठीक है, इंडोमाइसियम। एंड फाइबर के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, तो फाइबर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और फाइबर को चारों तरफ से फाइबर चारों तरफ से घिरी रहती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, और यह सार्कोलेमा जो है जेड लाइनों जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, जेड लाइनें उससे बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं कि फाइब्रिल को माइक्रोस्कोपिक रूप से देखने पर उसे क्या बोला जाता है, तो मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इंडोमाइसियम। और फाइबर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो सार्कोप्लाज्मा। और फाइबर जो चारों तरफ से घिरी रहती है जिस पर से उसको क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मांसपेशी की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो फाइबर यानी तंतु कोशी को मायोफाइब्रिल बोलता है, तो अक्सर फाइबर न बोल के मायोफाइब्रिल लिखता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और कहीं कहीं फाइबर मायोफाइब्रिल न लिख करके पेशीय तंतु लिखेगा, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो किस प्रकार से हो सकता है कि मांसपेशी की संरचनात्मक यानी कार्यात्मक इकाई क्या है, फाइबर या मायोफाइब्रिल या पेशी तंतु। ठीक है, और इसी फाइबर यानी मायोफाइब्रिल में दो प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो थीन यानी पतला फिलामेंट्स होता है, मायोसिन यानी थिक यानी मोटा फिलामेंट्स होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक्टिन के भी दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि एक्टिन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहाँ है। और मायोसिन जो थिक यानी मोटा फिलामेंट्स होता है वह एटीपी भी उसके साथ होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में कि एटीपी भी इसके साथ होता है। इस प्रकार प्रत्येक मायोफाइब्रिल के एक्टिन व मायोसिन फिलामेंट्स पर काली यानी डार्क पट्टी एंड स्वेत यानी लाइट पट्टी होती है, जिसपे बहुत सारे बैंड होते हैं, जिसपे काली पट्टी पे आई बैंड होता है, काली पट्टी जिसको कि हम मायोसिन भी बोल सकते हैं, श्वेत पट्टी यानी जिसे हम एक्टिन भी बोल सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जो काली पट्टी होती है उसपे ए बैंड होता है, और ए बैंड जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में कि ए बैंड जैसा कि उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिन का भी भाग होता है इसमें और मायोसिन का भी भाग।
और श्वेत पट्टी में आई बैंड यानी आइसोट्रोपिक बैंड होता है जिसमें ओनली एक्टिन प्रेजेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे केवल एक्टिन का भाग होता है, वहाँ पे आई बैंड है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि मायोफाइबर यानी फाइबर में यानी पेशी तंतु में कौन से प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। और इससे भी गहराई रूप से पूछे कि एक्टिन फिलामेंट्स में कौन से दो प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे पूछता है कि शरीर में एटीपी कहाँ संचित होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो एटीपी कहाँ संचित होते हैं, हमारे मांसपेशियों में होते हैं। इससे भी गहराई रूप से पूछेगा तो एटीपी मांसपेशियों के किस भाग में स्थित होते हैं, तो मायोसिन फिलामेंट्स में स्थित होते हैं। ठीक है, और मायोफाइब्रिन यानी फाइबर्स में एक्टिन और मायोसिन बहुत सारे बैंड होते हैं, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, एम लाइन, जेड लाइन। इसमें से ए बैंड जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे ए बैंड जो है वहां पे पाया जाता है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों उपस्थित हैं वहां पे ए बैंड पाया गया है। ठीक है, और जहां और आई बैंड जो है जहां पे केवल ओनली एक्टिन फिलामेंट्स उपस्थित है जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, और एच बैंड जो है जहां पे ओनली मायोसिन जो बीचो बीच जहां पे एक्टिन नहीं है ओनली मायोसिन है तो वहां एच जोन है। ठीक है, एंड यम लाइन जो है बीच में होती है, सबसे बीच में एक लाइन दिख रही है इसको रेड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, केवल मायोसिन प्रेजेंट होता है इसमें जिसे रेड लाइन कट करती है, एक लाइन है जो कट करती है उसी को यम लाइन कहते हैं। और जेड लाइन जो इसमें हरा कलर का दिख रहा है एक्टिन के बीच में से एक जिग जैग लाइन एक्टिन की ही लाइन कट करती है, तो इसे क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स के दोनों तरफ यानी फाइबर्स के ऊपर जहां समाप्त होता है वहां पे एक्टिन के बीच में से एक जिग जैग लाइन यानी कि एक्टिन की ही एक लाइन एक्टिन पर कट करती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। और दोनों जेड लाइनों के बीच में जो खाली स्थान होता है एक्टिन और मायोसिन होता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है ये दोनों जेड लाइन है इसके बीच वाले स्थान को सार्कोमियर कहते हैं। और यह संकुचन सार्कोमियर के एक दूसरे के पास यानी एक्टिन और मायोसिन के एक दूसरे के पास आने को सार्कोमियर कहते हैं। हमारा यच जोन जो होता है यहीं पे मांसपेशी संकुचित होती है यच जोन में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मांसपेशी के संबंध में सबको जानना आवश्यक है। तो ये दो जेड लाइन जो है उनके बीच के एक्टिन और मायोसिन के स्थान को सार्कोमियर बोलते हैं, और यही सार्कोमियर पेशी के संकुचन की इकाई होती है। ठीक है, और संकुचन के समय क्या होता है कि ये दोनों जेड लाइन पास पास आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों जेड लाइन पास पास आ जाते हैं और पेशियों का और मांसपेशी क्या होती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। जब संकुचन होता है मांसपेशी तो दोनों जेड लाइन पास पास आ जाते हैं, यानी संकुचन कब होता है, सार्कोमियर में होता है, यानी दो जेड लाइनों के बीच के स्थान को जो जिसमें एक्टिन और मायोसिन का स्थान होता है उसे सार्कोमियर बोलते हैं। और जब मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है तो एक्टिन फिलामेंट्स का मायोसिन फिलामेंट्स पे सरकने को मांसपेशी संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिन नहीं, एक्टिन अपनी जगह पर होता है और एक्टिन में बहुत सारे हेड होते हैं। ठीक है, और वो मायोसिन में बहुत सारे हैंड होते हैं जो एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो
से मांसपेशी जो है कंट्रैक्ट होती है तो डुरोजेनलाइन पास आ जाते हैं। और मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल या फाइबर या पेशी तंतु हिंदी में, ठीक है। और पेशियों के संकुचन की इकाई क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? सरकुमियर है, ठीक है, क्या है? सरकुमियर है। तो संकुचन के समय जो जेड लाइन होता है वो आपस में पास पास आ जाते हैं और एक्टिन फिलामेंट जो है एक दूसरे के पास आ जाते हैं एम लाइन पर, ठीक है, और एच जोन पे, ठीक है। और जो एक मायोसिन होता है अपने स्थान पर रहता है और एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट पर सरकता है, तो एक्टिन फिलामेंट्स के मायोसिन फिलामेंट पर सरकने को सरकते हैं तभी संकुचन होता है। कैसे सरकते हैं? जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि मायोसिन है, मायोसिन में जो हैंड पाए जाते हैं और एक्टिन को अपने में फंसाते जाते हैं और अपनी तरफ खींचते जाते हैं, ठीक है, ठीक ना। और मायोसिन हैंड होता है जो एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है और एक्टिन में प्रॉपर साइट होता है। एक्टिन में देख रहे हैं कि एक्टिन जो है उसमें साइट होता है जिसमें जहाँ पे वो एक मायोसिन का हेड जो है फंसता जाता है, अटैच हो जाता है, तब मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ पुल अप करता है यानी खींचता है और एक्टिन जो है जिसे अंदर आ जाती है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, इस प्रकार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और जब एक वापस शिथिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो जहाँ मायोसिन हेड अटैच होता है वहीं पर ट्रोपोमायोसिन अटैच हो जाता है। जहाँ पे मायोसिन का हेड जो है अटैच होता है वहीं पर ट्रोपोमायोसिन अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मायोसिन जो है एक्टिन को अपनी तरफ नहीं खींच पाती है और एटीपी एनपीआई जो है पहले से ही मायोसिन से अटैच होते हैं। तो इस प्रकार मांसपेशी का संकुचन एंड प्रसारण होता है। तो दोस्तों ये था स्केलेटल मसल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि कंकाली मांसपेशियों का माइक्रोस्कोपी रूप से संरचना। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब मांसपेशी के सरकवा सूत्र सिद्धांत जो एच जी हक्सले ने दिया है उसके बारे में बताऊंगी और मांसपेशी से रिलेटेड सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है लाऊंगी। उसके बाद जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं एंड फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगी। उसके बाद एमसीक्यू भी रहेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आपके मन में यदि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर प्रयास करूँगी। तो दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।